आवारा पशुओं से नहीं मिल रही निजात, पलक झपकते फसल हो जाती है सफाचट। बारा लालापुर तरहार क्षेत्र में दिनों दिन आवारा पशु की समस्या गंभीर होती जा रही है। उम्मीद के सहारे की शायद सरकार इस समस्या का कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराएगी, पर खोदा पहाड़ निकली चूहिया वही हाल हो रहा है। कुछ दिनों पहले उठेगी तरहार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में जितने लोग उपस्थित थे सभी ने एक स्वर में कहा कि हमें सरकार कुछ दे या ना दे, पर हमारे मेहनत की कमाई खेती ही सब कुछ है, इसकी सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए। जिस पर पंचायत विभाग के ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत पटेल ने कहा, हमें जमीन चिन्हित कर अवगत करा दिया जाए, गौशाला बन जाएगी, पर आज तक ग्राम सभा में जमीन मौजूद होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोगों को अतिक्रमण करना हो तो जमीन खोज लेते हैं, इसके लिए हल्का लेखपाल भी जहमत समझते हैं। पहाड़ पर ग्राम सभा की पर्याप्त जमीन पड़ी हुई है, जरा सी पलक झपकते ही किसानों को सिर्फ गेहूं का गंठल ही देखने को मिलता है। किसान के आंसू रोए नहीं चुक रहे हैं। अब मिलेगी इस समस्या से निजात, कब मिलेगी इस समस्या से निजात, कैसे होगा गुजारा? ग्रामीणों ने एक बार पुनः ध्यान आकर्षित कराते हुए गौशाला निर्माण कराए जाने की गुहार लगाई है। जमीन का काम जो है लेखपाल का होता है, गांव में सरकारी जमीन कहाँ खाली है, किस जगह है, हमको जानकारी नहीं है। लेखपाल वो घाटा संख्या दे के वेरीफाई कर दे रजिस्टर, उस पर हम अपना एक दो महीने में कार्य चालू कर देंगे। लेखपाल से हमने बात भी किया है, कहीं हम दे देंगे, कोई वही जहाँ तालाब उसकी कोई जमीन है, विवादी से कब्जा वही मारा है, तो